हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने फ़ोन के अंदर नोटिफिकेशन सेटिंग कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना बोलें। सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस, हमारे फ़ोन के अंदर आपको जो सेटिंग्स है आपको उसमें जाना है नोटिफिकेशन सेटिंग के रिलेटेड। तो गाइस, यहाँ पे हम सेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे गाइस एक ऑप्शन मिलेगा आपको नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेटिंग को ध्यान से समझें। एक होता है ऐप नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन सेट, नोटिफिकेशन इफेक्ट, ठीक है, और कंट्रोल नोट सेंटर, ठीक है। ये तो आपका स्टाइल ही, तो आपका ये हो गया कंट्रोल स्टाइल ना ये, ठीक है। बट यहाँ पे हम नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि ऐप की नोटिफिकेशन, जैसे कि लॉक स्क्रीन पर आपको ऐसी नोटिफिकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो लॉक स्क्रीन की नोटिफिकेशन अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि आप किन किन एप्लीकेशन की आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से उसको डिसेबल कर देते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन, जैसे कि लॉक स्क्रीन लगा हुआ, कई बार क्या होता है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड मैसेज कर देती है तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन दिख जाती है, और आप नहीं चाहते कि आपकी वाइफ उसकी नोटिफिकेशन देखें, तो ऐसे करके आप उसको ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन। ऐसे फ्लोटिंग नोटिफिकेशन होगी जो यहाँ पे दिखती है हमको नोटिफिकेशन, उसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं कि आपको किस एप्लीकेशन की चाहिए और किस एप्लीकेशन की नहीं चाहिए, तो अपने हिसाब से आप उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि मेरे को नेटफ्लिक्स की नोटिफिकेशन ऐसे करके आए, उसको भी आप ऑफ कर सकते हैं फ्लोटिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। ये हो गए बैजेस, मतलब कि आपको आपकी बैजेस दिखती हैं कि जिस इस टाइप से आप यहाँ पर देखोगे, आपको ऐप के ऊपर एक बिंदी दिख रही होगी इस टाइप से, इसको बोलते हैं बैजेस नोटिफिकेशन। तो आप इसको भी अपने हिसाब से ऑफ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करके आप इनको ऑफ कर सकते हैं। बाकी ऐप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपका सारे ऐप्स दिख जाते हैं आपको, इनमें से आपको जिस जिस एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, आप सिंपली बस उसको, ऐसे कि मेरे को मैसेज की नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ करूँगा, तो मेरे को मैसेज की नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, ठीक है। नोटिफिकेशन सेट पर अगर हम क्लिक कर लें तो यहाँ पर ये एंड्रॉइड की नोटिफिकेशन हो गई, एक MIUI की हो गई। तो आप इनमें से कोई सा स्टाइल रख सकते हैं, नोटिफिकेशन स्टाइल है बस ये आपका। तो गाइस, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, हम मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।